फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ 21st क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड इज रोल्ड टू फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ हाइट इक्वल टू द विड्थ ऑफ द पेपर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वो क्या बोल रहा है कि जो हाइट है सिलेंडर की, ठीक है, वो क्या है, इक्वल है किसके, विड्थ ऑफ द पेपर। ठीक है, आंसर आ भी गए हैं और करेक्ट है। अब हाइट कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, और विड्थ, विड्थ के लिए हम क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो विड्थ ऑफ द पेपर के लिए 2πr, 2πr को हम इक्वल रख देंगे 44 के, 2πr इज इक्वल टू 44 टू 22/7, आर नहीं है, 44 दो, 44 इंटू 7 2 इंटू 22, हमारे पास आर आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आर आ गया, यहां से आप अपना क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर तो 22/7, आर कितना है 7, 7, हाइट कितनी है 6, इसको कैलकुलेट कर लो, 22, 7, 6 सा 42, ठीक है, 2, 2 सा 4, 4, 2 सा 8, मैम 924 7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, किसी को डाउट? नो मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम रब मत करना, मैम रब मत करना, अभी क्वेश्चन तो रब कर दूं, मैम इसको रब मत करना, मैम क्वेश्चन रब कर लो, मैम इसका सॉल्यूशन रब मत करना, मैम रेडियस, मैम रेडियस तुम्हारा 7 है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने बोला रेलवे टिकट ऑफ अ चाइल्ड कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, मतलब जो भी कॉस्ट है, जो भी फेयर है टोटल, अगर कोई बच्चा होगा तो उसकी हाफ टिकट लगेगी। ठीक है, लेकिन जो रिजर्वेशन चार्जेस है वो क्या है, सेम है, लाइक रिजर्व करवाते हैं ना सीट्स, तो उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, अगर वो चाहे आप चाइल्ड की कराओ चाहे एक एडल्ट की कराओ, वो सेम। वन रिजर्व्ड टिकट फॉर अ जर्नी बिटवीन टू स्टेशन, किसी एक पर्सन ने टिकट्स बुक कराई है, ठीक है, 362 रुपीज की, जिसमें से वन फुल है एंड हाफ रिजर्व, ठीक है, और वो जो टोटल कॉस्ट उसको पड़ी है 554 पड़ी है, तो हमें ये बताना है कि रिजर्वेशन चार्जेस जो है वो कितने हैं। ठीक है, अब रब कर दूं, सॉरी आ रहा है एनसी 2021 का है। हाँ जी, अभी जो हुआ है 9th को, मैं मिल भी गया क्वेश्चन पेपर और क्या। चलो मैंने लेट कर दिया, लेट द फुल फेयर, मैंने उसको क्या लेट कर दिया, एक्स रुपीज, और नेक्स्ट चीज मेरे पास क्या है, रिजर्वेशन चार्जेस। ठीक है, रिजर्वेशन चार्जेस को मैं लेट कर लेती हूँ वाई रुपीज। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि दोनों को मिला के उसने कितना पे किया, मतलब फुल फेयर प्लस रिजर्वेशन, उसने कितना पे किया, 362 रुपीज, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन वन। ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि वन रिजर्व्ड टिकट एट टू स्टेशन ये वन फुल एंड हाफ, तो एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये तो उसने फुल ली, और एक उसने फुल की बजाय हाफ ली और उस पे रिजर्वेशन चार्जेस की। ठीक है, वन फुल ली तो फुल के लिए हमने क्या लिया, एक्स, ठीक है, एक्स पे रिजर्वेशन चार्जेस लगे, एक उसने हाफ ली, हाफ के लिए हमने क्या किया, फुल फेयर को हाफ कर दिया प्लस उस पे रिजर्वेशन चार्जेस लगे, और टोटल उसने पे कितना किया, 554, ये सेकंड बन गई क्वेश्चन।
दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, x को x में ऐड किया, ये आ गया नीचे 3x/2, ठीक है, एलसीएम लेके प्लस हो गया, और y प्लस y कितना हो गया 2y इज इक्वल्स टू 554। लीनियर इक्वेशंस टाइप से, ठीक है, उसको ही सॉल्व कर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो दिस मींस 1। मैम 3x कैसे आ गया? मैम 2x आना चाहिए ना, 3x/2 आ गया। 2 मैम वो 2 कौन सा होता है? इज इक्वल्स टू 554, ठीक है मैम। मुझे 3x कैसे आया नहीं समझ में। हाँ हाँ मैम मैम समझ गया। प्लस 4/554 को 2 से करो, 4 से 8, 2 से 10, 5 से 10 और 11, ये आ गया 1508। अब इसको मैं मान लेती हूँ कि ये मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन थर्ड, ठीक है। कोई डाउट किसी? नो मैम। मैम चलो अब मैं क्या करती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। मैम थोड़ा साइड हो जाए, मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर रही हूँ। थर्ड इक्वेशन में से किसको कर दिया? फर्स्ट इक्वेशन को, वो भी एक्स वाई, ठीक है। अब देखो थर्ड इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई और 362, तो इसको भी मेरे को साथ में इक्वल करना पड़ेगा जैसे हम करते थे लीनियर इक्वेशन में। करो इक्वल, x प्लस y इज इक्वल टू 362 है। अब मुझे यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, तो मुझे इसको इक्वल करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 110। ये तो आपने कराया था। हाँ जी, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 6 6 12 3 3 9 और 10। मैम 3 6 18। मैम हाँ जी, मैं आपने यहाँ पर मैम ये स्टार्टिंग आपने यहाँ पर क्या लिखा, एक्स बाय टी है क्या मैम? ये मतलब मैम इस तरफ, मैम राइट हैंड साइड, मैम फर्स्ट इक्वेशन के नीचे क्या लिखा है? मैम एक्स बाय टी लिखा आपने, ये फर्स्ट इक्वेशन के नीचे एक्स अपॉन टू, एक्स बाय टू, वन वन वन। यस मैम, मैम वो कंफ्यूज हूँ। अब आप क्या करोगे, इसको माइनस किया ये आ जाएगा 20। तो हमने रिजर्वेशन चार्जेस उसने हमसे पूछे थे, मतलब वाई पूछा था, तो रिजर्वेशन चार्जेस आपके पास कितने आ गए, 22। किसी को डाउट? नो मैम। मैम 22 1108 माइनस 1086 करके आया जी। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, मैम आज से आपकी क्लास रोज 4 बजे होगी? हाँ जी। मैम ये तो रीजनिंग का लग रहा। हाँ मैम वो RIMC में रीजनिंग और मैथ्स में साथ है। Thank you.
चलो ट्राई दिस वन, ये ऊपर अप कर दो. यस मैम. हो गया पूरा. चलो करे सॉल्व. चलो मैम, आरआईएमसी के टेस्ट में जो 2021 में हुआ था मैम, इसमें कितना टाइम मिला था स्टूडेंट को? टू एंड हाफ, नहीं थ्री आवर्स इसमें तो. मैम अकेले मैथ्स के पूछ रहा है वो. अकेले मैथ्स में नहीं मैम, पूरे का पूछ रहा हूँ. 1 hour 30 minutes. चलो देखो, दो रूम्स है, इजी करके करते हैं. रूम ए, ठीक है, रूम बी. बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखने में लगता है लेंथी. उसने क्या कहा कि दो रूम्स है ए और बी, 10 स्टूडेंट्स हमने रूम ए से रूम बी में कर दिया. ठीक है, मैं क्या करती हूँ, रूम ए को एक्सलेट कर लेती हूँ और रूम बी को वायलेट कर लेती हूँ. ठीक है, तो 10 स्टूडेंट मैंने ए से बी में भेजे, मतलब यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स कम हो गए और यहाँ पे मेरे 10 स्टूडेंट्स क्या हो गए, बढ़ गए हैं, है ना. तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x में से -10 हो गए इक्वल टू y प्लस 10 हो गए. ठीक है, तो x माइनस y 10, ये भी उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20. ये मेरे पास क्या हुई, फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि 20 कैंडिडेट्स जो है वो मैंने रूम बी से रूम ए में भेज दिए. ठीक है, अब सेकंड केस में क्या हुआ, रूम बी से -20 हो गए और रूम ए में +20 हो गए, यहाँ पे आ गए वहां से चले गए. तो ये क्या हो गया, x +20 यहाँ पे आ गए और ये क्या हो गया, y -20, यहाँ से 20 क्या हो गए, लेस हो गए. ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ए इज डबल द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन बी, कि जो ए में जो बच्चे गए हैं वो उससे डबल है, तो मैं इसका क्या कर दूंगी, 2 times. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है, x प्लस 20 2y माइनस 40, तो ये आ गया x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 20, ये आएगा माइनस 20. ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 2y मैम 40 इधर था ना, सॉरी 60 मैम, इक्वेशन फर्स्ट है आई मीन 60, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन 2. ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को कंपेयर कर लेंगे. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मैम, जब मैम -60. ठीक है, अब x की वैल्यू मेरे पास इसमें ऑलरेडी सेम है, तो मैं साइन क्या कर दूंगी, डायरेक्टली चेंज, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 1/, और ये आ गया 80. तो y कितना आ गया आपके पास, 80, मतलब रूम b में जो बच्चे थे टोटल वो कितने थे, 80. अब आप क्या करोगे मैम, आपने सबट्रैक्ट कर रहे ना इधर, हां जी, इज इक्वल्स टू 80 इन इक्वेशन 1.
अब ये आ गया x माइनस y इज इक्वल टू 80, तो x माइनस 80 इज इक्वल टू 80 मैम, तो x आ जाएगा 80 प्लस 80 इज इक्वल टू 160। मैम आप एक और बार रिपीट कर सकते हो मेरा सॉल्यूशन? समझ में नहीं आया। एक सेकंड, मैम मैम 100 होगा कि 160 होगा? मैम वो वहां पे आपने माइनस 60 क्यों लिखा? ये 20 था। अब ठीक है मैम, मुझे भी वही डाउट हो रहा था। मुझे मैम 100 होगा उसका आंसर साइड से। यस मैम, मुझे डाउट गलती से लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक्स कितना आ गया? 100। मैम 100 कैसे आ गया? मैम फिर से बताओ, कोई डाउट ले रहा था ना, कुछ पूछ रहा था। मैम 100 कैसे आ गया? मैम फिर से बताओ, कुछ भी नहीं, हमारे पास y 80 आया था, मैम वो जो डबल मैम रूम ए में है, तो मैम हमने बी में क्यों लगाया वो डबल? तो मैम फिर हमने ए में क्यों नहीं लगाया डबल? ए तो ऑलरेडी ज्यादा ही है ना, ए तो ऑलरेडी डबल है। ए को ही डबल करेंगे वो तो बी से और बड़ा हो जाएगा। अगर हम उनको इक्वल रख रहे हैं तो दिस मींस अगर हम उनको इक्वल रखेंगे तो हमें बी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, फिर वो इक्वल होंगे। ओके मैम, ओके ओके अंडरस्टूड। ठीक है, चलो आगे चले। मैम एक मिनट रुकिए, मैं सॉल्यूशन रफ मत करना है अलग। यहाँ पर क्या लिखा है मैम? ये x माइनस, मैम ये x माइनस 80 लिखा है यहाँ पर। फैक्टराइज करना है क्या मैम? यहाँ पर x माइनस 80 लिखा हुआ है। कहाँ पे मैम? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर नीचे होके। मम्मी किसी के घर से मैम कुछ आवाजें आ रही है। मैम ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेट बहुत अटक रहा है। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हमारा लगेगा स्प्लिटिंग मेथड, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, मैंने स्प्लिटिंग करी x square plus 8x plus 12, स्प्लिटिंग करनी आती है ना सबको, कि कोई भी दो आपको ऐसे फैक्टर्स ढूंढे हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस या माइनस करें तो क्या है 8 आए। करे हैं ना ऐसे क्वेश्चन, वही चीज है। yes, मैं फैक्टराइजेशन में किए थे। डिवाइड है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर और इसका रेसिप्रोकल कर, ये x माइनस 4 ऊपर आ गया और इसके स्प्लिटिंग में नीचे कर देते। ठीक है, 12 आया है तो x square plus 6x minus 2x आ जाएगा। yes, मैं minus 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम अपनी वही फैक्टर्स बनाएंगे, कॉमन निकाल के बनाओ। x plus 6, ठीक है, फिर आ गए x
मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी. माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, ठीक है. आप क्या करेंगे, एक्स प्लस टू फर्स्ट फैक्टर, एक्स प्लस सिक्स नेक्स्ट. यहाँ पे क्या हो गया, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस और एक्स प्लस सिक्स, ठीक है. अभी सब मल्टीप्लाई है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और तो कुछ नहीं है हमारे पास. तो हमारे पास क्या है, x प्लस टू, x माइनस थ्री, x माइनस टू, ये आंसर आ गया, ठीक है. ये ही आपका आंसर हो जाएगा. ज्यादा है तो आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है. क्या कर सकते हो, x प्लस, वैसे उसने फैक्टर्स के फॉर्म में आंसर मांगा तो यही आंसर रहेगा. अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो x स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स, सो दिस विल बी x प्लस x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, ये आपका आंसर. यस मैम यही है. मैम ये आगे भी होगा शायद, लेकिन फैक्टराइज मैम नहीं, हमें जरूरत नहीं है. आप वही बात है ना, आप रखते ये फिर यही मैम ऐसे तो फिर वन बाई एक्स माइनस टू आ जाएगा. नहीं नहीं मैम यही यही आंसर, यही है. मैम किसी का माइक अनम्यूट है. मैम मैम किसी का माइक अनम्यूट है. मैम ये हर क्या क्या चलो आगे चले. मैम मैम ये नीचे का रफ मत करना मैम. ठीक है ठीक है मैम, ये नीचे का रफ मत करना है ये वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन 25. मैम आरआईएमसी में तो क्वेश्चन बड़े दिखते पर आंसर बहुत इजी निकलते इसके. इसमें इंग्लिश और जीके बहुत टफ आती है, मैथ्स नहीं. अरे मैथ्स किधर है? नहीं नहीं इंग्लिश टफ नहीं आती. तुमने देखा नहीं है शायद अभी रिकॉर्डिंग लेट कर. बहुत ज्यादा होता है. मैंने देखा है, चेक किया हर साल का पेपर. ऑल इंडिया में 20 और 10 स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट होते हैं. तो जो मेहनत करते वही तो सेलेक्ट होते हैं. एक स्टेट से एक बच्चा. मैम एक स्टेट से बच्चा आ रहा है. x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6. मैम हां जी. मैम 23 क्वेश्चन का आंसर मैम ये है क्या, x प्लस टू अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6. 24 क्वेश्चन है वो, ये दिस इज द आंसर. यस मैम. ठीक है मैम, ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन है. चलो ये मैम प्रिंटेड प्राइस मतलब एमआरपी
प्रिंटेड प्राइस जो लिखा हुआ है उस पे प्राइस मैम उनने प्राइस भी दे रखा है किस किस में बाय करा और उनने डिस्काउंट भी दे रखा है उसके अंदर यस मैम हां जी मैम ये 380 रुपीज वो है क्या सीपी उसकी हाँ परचेज किया ना मैम 380 मैम क्या राम का वो है कॉस्ट प्राइस नोट तो करो अभी कराते हैं घर से आवाज आ रही है मैम मैम के ही घर से आवाज आ रही है What price did Ram mark at printed price for the bag? Purchased at 380 rupees. So after giving 5% discount, there are 25% off. वो कह रहा है कि वो कितना print करवाए bag पर price कि 380 का purchase करने के बाद भी वो 5% discount भी दे दे और उसको 25% profit भी होते ये question है इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए